उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट। नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टुडे का खास कार्यक्रम विधानसभा विश्लेषण, जिसमें हम आने वाले विधानसभा चुनावों की सीटों के जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो आपको बताते हैं, उनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रखते हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव है विधानसभा के, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो रैलियां कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं कि हमको वोट मिले, हमारा प्रत्याशी यहां से जीते। अब बात करते हैं गुड़ की, जिसके बारे में जो आज एक विधानसभा सीट है रीवा जिले की। इस सीट के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे किसी भी एक पार्टी का विधायक, किसी भी एक पार्टी का नेता या किसी भी एक विचारधारा का नेता लंबे समय तक नहीं टिकता। 2003 में बीजेपी थी, 2008 में बीजेपी थी, मगर 2013 में तख्ता पलट गया और कांग्रेस आ गई। 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पे सीधा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा था, मगर जब परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। कांग्रेस और बीजेपी के जितने जो वोट का अंतर था वो सिर्फ 1300 का था, और उसके बाद जो निर्दलीय और बीएसपी के बीच में वोट का अंतर था वो सिर्फ 25,000 वोटों का था। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि ये चारों पार्टियों के जो मुकाबला है वहाँ पे एक कांटे का मुकाबला होता है गुड़ जो विधानसभा सीट है वहाँ पे। अब मैं आपको मुद्दे के बारे में बता देता हूँ। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं और जब मुद्दों की बात होती है तो यहाँ पे सबसे मुख्य मुद्दा होता है विकास का, मगर जब वोटिंग चालू होने वाली होती है तब तक ये मुद्दा घूम के आ जाता है जाति पे। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस बार कौन कौन वहाँ से चुनाव के प्रत्याशी हैं। 2013 में जो थे चार लोग वही इस बार भी हैं। अब मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। कांग्रेस से हैं सुंदरलाल सिंह, बीजेपी से हैं नरेंद्र सिंह, बीएसपी से हैं मुनिराज पटेल, और निर्दलीय जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे मगर इस बार वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उनका नाम है कपि ध्वज सिंह। ये चार प्रत्याशी खड़े हैं उस सीट से, मगर अब की बार देखना ये है कि कौन से प्रत्याशी को उस सीट पे हक मिलता है और वहाँ के जो मतदाता हैं वो किसको चुनते हैं। अब मैं आपको मुद्दे बता देता हूँ कि इस बार के मुद्दे कौन से मुख्य होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ स्किल डेवलपमेंट की, जो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की थोड़ी सी कमी है। फिर उसके बाद सड़क और पानी जो मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश का है। फिर उसके बाद आता है स्वच्छता का मुद्दा, कि वहाँ पे स्वच्छता का मुद्दा बहुत ज़्यादा ही एक हाइप लेता है। फिर सोलर पैनल्स का मुद्दा आता है कि सोलर प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएं। ये मुख्य मुद्दे होने वाले हैं इस बार उस गुड़ सीट के, मगर ये जो सीट है ये प्रत्याशियों को अप्रत्याशित फैसले देने के लिए जानी जाती है। इस बार ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, कौन सी पार्टी उस सीट पर अपना झंडा लहराती है। बाकी ऐसी ही चुनावों से जुड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। कैमरा के पीछे दायित्व मैं आपके साथ सुजीत, नवभारत टुडे, नमस्कार।